भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतकर लंबे समय से चले आ रहा ICC ट्रॉफी का सूखा समाप्त कर दिया। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 76 रन की शानदार पारी खेली। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। कोहली फाइनल से पहले कोई खास छाप नहीं छोड़ पाए थे। कोहली ने भारत के चैंपियन बनने के साथ ही T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। कोहली के T20 रिटायरमेंट पर उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि कोहली ने सही समय पर ही सही फैसला लिया, अब वह टेस्ट पर फोकस करेंगे। राजकुमार शर्मा ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, विराट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, उन्होंने बड़े मौके पर फैसला लिया है जब भारत वर्ल्ड कप जीता है और विराट फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। किसी भी खिलाड़ी के लिए ये हाईएस्ट पॉइंट है जब वह इतने बड़े मंच में से किसी फॉर्मेट को अलविदा कहता है, इसलिए ये बहुत बड़ा फैसला है। मैं उसके निर्णय की सराहना करता हूँ क्योंकि उसने कहा कि वह युवाओं को मौका देना चाहता है। यह बहुत अच्छा फैसला है, उसे अब टेस्ट क्रिकेट पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, विराट को टेस्ट क्रिकेट पसंद है, उसने इस फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन किया है, उसकी टेस्ट क्रिकेट को लेकर बहुत अच्छी सोच है। मेरा मानना है कि वह टेस्ट पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएगा और देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करेगा। मैं भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जीतने की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ, पूरे सपोर्ट स्टाफ, सिलेक्टर और BCCI को भी बधाई। हमें लंबे समय से ICC ट्रॉफी की तलाश थी जो कि अब पूरी हो गई। कोहली ने 113 टेस्ट मैचों में 8,848 रन बनाए हैं जिसमें 29 सेंचुरी और 30 50 हैं। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या विचार हैं हमें ज़रूर कमेंट करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।